डाबर हनीटस कफ सिरप जो है उसके मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वो है तुलसी, बनफशा, हनी, शुंठी मतलब सोंठ, वासा, तालिसपत्र, पुदीना, मुलेठी। तो मुलेठी जो है उसको यष्टि मधु भी बोला जाता है, मधु यष्टि भी कहा जाता है, मधुस्त्रवा भी कहा जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कभी पुराने लोग जो होते थे जो सूखी खांसी होती थी तो वो मुलेठी का एक टुकड़ा लेके मुंह में रख देते थे, जैसे आजकल लौंग भी रखी जाती है, तो वो एक एक्सपेक्टोरेंट का काम करता था। कफ जो जमा हुआ है उसको पिघलाकर बाहर निकलने का काम मुलेठी करता है। इसका सर्वप्रथम वर्णन हमें अथर्ववेद में मिलता है। उसके बाद में हम अगर शुंठी का देखें, शुंठी मतलब सौंठ होता है, विश्व भेषज कहते हैं शुंठी को। क्यों? क्योंकि दुनिया की सारी बीमारियों में शुंठी बहुत अच्छा काम करती है। इसका जो मेन काम है कफ में वो प्रतिशाया में काम है, मतलब सर्दी जुकाम होता है वहाँ पे शुंठी बहुत अच्छा काम करती है। फिर हनी, हनी जो है वो योगवाही है, मतलब हनी के साथ जो भी चीज़ें मिक्स करके दी जाए तो हर एक चीज़ को वो बॉडी के हर एक सेल में पहुँचाने का काम करेगा। उसके बाद में तुलसी, तुलसी जो है वो एंटीहिस्टामिनिक है, एंटीबायोटिक है, तो बॉडी में रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो भी इन्फेक्शन होता है उसको ख़त्म करने का काम तुलसी करता है। उसके बाद में वासा, वासा जो है उसका फूल, पत्ते और उसके रूट्स, मूल, तीनों चीज़ों का यूज़ किया जाता है, मेडिसिनल यूज़ होता है। वासा जो है वो कफ पित्त दोष नाशक है, मतलब कफ पित्त को कम करने वाला है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि गर्मी के सीज़न में भी खांसी होती है, वो पित्त के कारण होती है, पित्त का उष्ण गुण बढ़ जाता है और कफ को सुखा देता है, जिसकी वजह से सूखी खांसी होती है। तो ऐसे टाइम पे वासा वहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है, वो कफ को पिघला के पित्त को शांत करता है, जिसकी वजह से पित्त की उष्णता कम हो जाती है और जो कफ सूखा रहा होता है पित्त, वो प्रोसेस ख़त्म होके नॉर्मल कफ बनता है और खांसी बंद हो जाती है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो डाबर हनीटस के हैं। डाबर हनीटस कफ सिरप जो है वो एज ए एक्सपेक्टोरेंट भी अच्छा काम करता है और एज ए ड्राई कफ में भी वो बहुत अच्छा काम करता है।